अंबिकापुर विधानसभा सीट से आपको भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या चुनौतियां रहेंगी ये बताते हैं। बहुत खुशी लग रही है, मैं अपने पूरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार को अपना आभार प्रकट कर रहा हूँ और चुनौतियों तो कोई विशेष नहीं। देखिए, पिछले चुनाव के दौरान जो घोषणा पत्र बना था वो आदरणीय टीएस सिंह जी के द्वारा बनाया गया था और गंगा जल लेके कसम खाई गई थी। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे 2500 रुपया, नहीं दिया। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कर्ज माफ़ी का आश्वासन दिए थे, नहीं किए। बुज़ुर्गों को और जो भी पेंशन प्राप्त करते हैं उनको पेंशन की राशि में काफ़ी बढ़ोतरी बोला गया था, नहीं किया गया। किसानों को ज़बरदस्ती मिट्टी को गोबर बता के दिया जा रहा है, बोनस 4 बार में दिया जा रहा है। बोनस का पैसा निकलवाने में किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रही है। धान का रकबा घटा दिया गया खेत का, ऐसे बहुत से इनके द्वारा कार्य किए गए जिनसे क्षेत्र की जनता पूरी तरह से इनसे निराश और नाराज है। और सबसे बड़ी बात, उस देवतुल्य जनता से जिनके वोट से ये मंत्री बने, उससे जो दूरी बना के रखी, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। क्षेत्र की जनता इनसे एकदम निराश है और निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी और निश्चित रूप से हम यहाँ से भेजेंगे। जनता के हित के मुद्दे क्या? बहुत से मुद्दे हैं, हम तो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। एक मुद्दा हमको पता है, जनता के हित के लिए जो भी अच्छा काम हो सकेगा निश्चित रूप से करने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात, 24 घंटा जनता के सुख दुख में हम उपलब्ध रहेंगे, ये बहुत बड़ा अपना